आज की क्लास में हम करने वाले हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, है ना। ये टॉपिक आप पहले भी कर चुके हो जब आपने एक्सरसाइज 1.6 देखी थी। तो उससे पहले मैंने आपको एक डेरिवेशन करके दिखाया था जिसमें आपने दो सेट्स के यूनियन के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट का फॉर्मूला ड्राइव किया था, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। याद है आपको किसके इक्वल होता था? एन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला आपने ड्राइव किया था एक्सरसाइज 1.6 से पहले, और इसको वेन डायग्राम से भी समझा था। वेन डायग्राम में आपने क्या समझा था एक बार फिर से देख लेते हैं। आपने बनाया था एक यूनिवर्सल सेट, और आपको याद होगा कि यूनिवर्सल सेट को किससे डिनोट करते हैं? रेक्टेंगल से, है ना। तो यहाँ कोई एक रेक्टेंगल बना लो, वो बन जाएगा एक यूनिवर्सल सेट। इस यूनिवर्सल सेट के अंदर इसके सबसेट लिखे होंगे, यानी कि सेट्स लिखे होंगे, और वो सेट्स के नाम मैंने यहाँ पर रख दिए ए सेट, और कोई एक और सेट मैंने ले लिया बी सेट। इसमें वेन डायग्राम जब आपने बनाया था तो आपको याद होगा कि आपने ये वाला पार्ट शेड किया था, है ना, इतना पार्ट। ये पार्ट जब शेड किया था तो इस पार्ट को हम क्या कहते थे? इसको हम कहते थे कि ए के ऐसे एलिमेंट जो बी सेट में नहीं है। सिर्फ इतना वाला पार्ट क्या कहलाता है? ए के ऐसे एलिमेंट जो बी सेट के अंदर नहीं है, ठीक है ना। तो इस पार्ट का नाम आपने क्या रखा था, याद होगा आपको? ए माइनस बी, ए के ऐसे एलिमेंट जो बी में नहीं है। फिर आपने इस वाले पार्ट को शेड किया था ऐसे, ये पार्ट जब शेड किया था आपने तो आपको याद होगा कि इसका क्या नाम रखा था, और ये आपने रखा था बी के ऐसे एलिमेंट। ये बी के ऐसे एलिमेंट यहाँ पर फिल किए जाएंगे जो किस सेट में नहीं है? ए सेट में नहीं है। तो इसका नाम आपने क्या रखा था, याद है आपको? बी माइनस ए। और ये जो जगह है, ये ऐसी जगह है जहाँ पर ए के भी एलिमेंट लिखे होते हैं, बी के भी एलिमेंट लिखे होते हैं। तो इसका मतलब ये दोनों में कॉमन वाले एलिमेंट हैं, और जो दोनों में कॉमन वाले एलिमेंट होते हैं इनको भी आपको याद होगा, इनको हम क्या कहते हैं बताइए? इसको हम कहते हैं इंटरसेक्शन, है ना। तो ये जो बीच वाला पार्ट है, है ना, इतना पार्ट, इसमें दोनों के एलिमेंट लिखे होते हैं, तो ये किसको दिखाता है? ए इंटरसेक्शन बी को। ये भी आपको याद होगा। और अब अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी जो यहाँ पर लिखे हुए हैं प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन इंटरसेक्शन प्लस ये वाले एलिमेंट, कौन से वाले? बी माइनस ए वाले, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस ए, इन तीनों का सम किसके इक्वल होता है? तो आंसर है इन तीनों का सम ए यूनियन बी के इक्वल होता है। तो मैं देखूं कि एज अ हो दिस प्लस दिस प्लस दिस, इन सबको प्लस कर दें तो ये हमें क्या दिखाता है, है ना। अगर इनको प्लस कर दिया जाए तो ये क्या बना देता है? ए यूनियन बी। ओके, तो आपको सब कुछ पता है। यहाँ पर बताइए क्या है? ए माइनस बी। ये क्या है? ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पर कौन से एलिमेंट भरे जाएंगे? बी माइनस ए। और इन तीनों को मिलाकर हम क्या कहेंगे कि ये कंप्लीट सेट किसको रिप्रेजेंट करता है? ए यूनियन बी को। और ये जो बाहर लिखा हुआ है ये क्या है? यूनिवर्सल। तो अगर कोई भी एलिमेंट जो ना ए में है ना बी में है, कहीं पर भी नहीं है, वो कहाँ भरा जाएगा? तो आंसर है बाहर लिखा जाएगा, यहाँ पर, ठीक है। तो ये बिल्कुल आसान है, तो ये आप लास्ट क्लास में देख चुके हो। इसके अलावा जो बात मुझे आपको बतानी थी वो ये कि आपके सामने दो तरह की, जब आप क्वेश्चन आएंगे तो दो तरह के वर्ड आएंगे। एक तो आएगा ग्रुप। जब भी ग्रुप की बात हो प्यारे बच्चों, तो ये याद रखना कि ग्रुप को हम लेते हैं यूनियन। क्या लेना है? यूनियन लेना है। जैसे सपोज करो आपको कोई क्वेश्चन दिया हुआ है ग्रुप ऑफ 100 पीपल, तो 100 किसकी वैल्यू होगी वहाँ पर? ए यूनियन बी की। अगर लेकिन क्वेश्चन में दे दिया जाए सर्वे, है ना, अगर सर्वे का क्वेश्चन आ जाता है तो सर्वे जो होता है वो यूनिवर्सल सेट होता है, वो ए यूनियन बी नहीं होता है, ठीक है। ये बात आपको याद रखना, क्योंकि सर्वे और ग्रुप में डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। सर्वे के केस में क्या होता है, सपोज करिए आप कहीं सर्वे कर रहे हैं, तो सर्वे करते वक्त ऐसा भी हो सकता है कि जैसे मान लो कोई एक सेट है कॉफ़ी वाले लोग,
कुछ ऐसे लोग हैं जो टी पीते हैं, है ना। तो जब आप सर्वे करने जाओगे तो कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो सिर्फ कॉफ़ी पीते हैं, कुछ ऐसे होंगे जो सिर्फ टी पीते हैं, ठीक है। उसमें कुछ ऐसे भी होंगे जो आपको कुछ आंसर ही नहीं देंगे, है ना, या कह देंगे कि हम कुछ भी नहीं पीते हैं। अगर वो कुछ भी नहीं पीते हैं तो ना तो वो इसके अंदर लिखे जाएंगे, ना वो इंटरसेक्शन के अंदर लिखे जाएंगे, ना वो इस सेट के अंदर लिखे जाएंगे, है ना। ना तो वो टी वाले में लिखे जाएंगे, ना दोनों में कॉमन होंगे, ना वो कॉफ़ी वाले में लिखे जाएंगे। तो ऐसे लोग जो ना टी पीते हैं ना कॉफ़ी पीते हैं, है ना, तो वो कहाँ लिखे जाएंगे? तो आंसर वो बाहर लिखे जाएंगे। तो सर्वे के अंदर वो लोग भी आते हैं जो कुछ भी नहीं पीते हैं, ना तो कॉफ़ी ना टी, और ग्रुप के अंदर सिर्फ वो लोग आएंगे जो या तो टी पीते हैं, या कॉफ़ी पीते हैं, या दोनों पीते हैं, है ना। तो ये बात याद रखना, आप बिल्कुल क्लियर रखना कि जब भी क्वेश्चन में सर्वे गिवन हो तो आप समझ जाना कि ये क्या गिवन है, यूनिवर्सल, ठीक है ना। यूनिवर्सल नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट गिवन है, और अगर ग्रुप गिवन है तो इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी गिवन है। ओके, इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन लेते हैं तो बात ज़्यादा समझ आएगी। देखिए, हमारे पास एक क्वेश्चन है मिसलेनियस का, है ये क्वेश्चन नंबर 13। इसमें कह रहा है इन अ सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट। तो पहले बच्चों, जो टर्म आया है वो सर्वे आया है, ना कि ग्रुप आया है ना। तो अगर सर्वे आता है तो आप समझ गए होंगे कि ये सर्वे हमें क्या गिवन है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन किस में, यूनिवर्सल सेट में, कितने, 600, ठीक है। इन अ स्कूल 150 स्टूडेंट वर फाउंड टू बी टेकिंग टी। ओके, टी वाला जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि टी लेते हैं वो हैं 150, एंड 225 टेकिंग कॉफ़ी। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु वर टेकिंग कॉफ़ी इज 225, एंड 100 वर टेकिंग बोथ टी एंड कॉफ़ी। तो ऐसे स्टूडेंट जो दोनों लेते थे उस सर्वे में, ये देखा गया कि वो हैं कॉफ़ी और टी बोथ, मतलब इंटरसेक्शन कितने हैं, 100, है ना, ये इस तरह से। तो ये टी वाले दे रखे हैं जो टी पीते हैं, ये कॉफ़ी वाले, और ये जो दोनों पीते हैं, है ना। अब आपको क्या निकालना है, फाइंड हाउ मैनी स्टूडेंट वर टेकिंग नीदर टी नॉर कॉफ़ी। ना तो टी पीते हों और ना कॉफ़ी पीते हों। तो मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया कि ना तो टी पीते हैं ना कॉफ़ी पीते हैं, तो वो कहाँ पर रहे होंगे, यहाँ पर, है ना, यहाँ पर कहीं लिखे जाएंगे। देखो, ये सपोज करिए टी वाला सेट है, ये कॉफ़ी वाला सेट है, ये किसको दिखा रहा होगा, टी इंटरसेक्शन सी को, है ना। तो हम क्या करेंगे कि हमें चाहिए ऐसे वाले जो ना तो टी पीते हो ना कॉफ़ी पीते हो, तो वो कहाँ पर होंगे? तो ना तो वो यहाँ होंगे, ना यहाँ होंगे, ना यहाँ होंगे, वो कहाँ होंगे, यूनिवर्सल में कहीं पर होंगे। तो उसको निकालेंगे कैसे? तो आंसर है कि यूनिवर्सल वाले नंबर में से अगर यूनियन वाला नंबर हम हटा दें तो कौन से वाले बच जाएंगे? वो बच जाएंगे जो ना तो टी पीते हैं और ना कॉफ़ी पीते हैं। समझ आ रही बात? अगर ये सारी चीज़ हटा दें हम इसमें से, तो कौन से वाले बच जाएंगे जो ना तो टी पीते हैं ना कॉफ़ी पीते हैं? तो उसके लिए मुझे पहले किसकी ज़रूरत पड़ेगी, ए यूनियन बी की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि ऐसे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी जो टी पीते हैं और कॉफ़ी पीते हैं। अगर हम उसे यूनिवर्सल में से माइनस कर देंगे तो ऐसे निकल जाएंगे जो ना तो टी पीते हैं और ना कॉफ़ी पीते हैं। तो यूनियन निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला भी याद होगा, है ना, फॉर्मूला तो आपको याद है। तो पहले यूनियन निकाल लो, फिर इसके बाद आराम से कर सकते हो इस क्वेश्चन को। तो यूनियन का फॉर्मूला आपने मुझे बताया, ए यूनियन बी इक्वल होता है किसके, तो ए यूनियन बी लिख लो, या टी और कॉफ़ी वाला क्वेश्चन है तो टी से और सी से डिनोट कर लो, है ना। टी यूनियन सी किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी इंटरसेक्शन टी। ओके, नाउ नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी इज 150 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन कॉफ़ी इज 225 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बोथ इज 100। ओके, नाउ दिस क्वांटिटी, इनको सॉल्व करिए तो ये कितना बनेगा, 150 में से 100 माइनस करिए कितना आएगा, 50, 50 इसमें ऐड कराइए तो ये बन जाएगा 275। ये कौन से निकल कर आ गए, जो टी और कॉफ़ी दोनों में से एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो पीते हैं। तो हमें क्या निकालना था, नीदर टी नॉर कॉफ़ी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट
टेकिंग नीदर टी नॉर कॉफी इक्वल होंगे किसके? तो आंसर है नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दो किसको, नंबर ऑफ पीपल हु टेक एटलीस्ट व्हाट टी और कॉफी, है ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट हमें क्वेश्चन में कितने गिवन थे, 600। और ऐसे लोग जो या तो टी या टी और कॉफ़ी दोनों में से कुछ ना कुछ तो पीते ही हैं, यानी कि यूनियन कितना है, 275। तो इसको इसमें से माइनस करा दीजिए, है ना। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा आपके पास 325। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो यूनिवर्स, ये यूनियन को आप याद रखा करो। देखो यूनिवर्सल को हम क्या कहते हैं, सर्वे, ठीक है। अच्छा, कॉमन इन बोथ अगर आता है तो इंटरसेक्शन, यूनियन का मतलब एटलीस्ट टी और कॉफ़ी, और वर्ड यूज होता है, ठीक है ना। तो और अगर अगर इंटरसेक्शन की मैं बात करूं तो उसके लिए एंड टर्म यूज होता है। तो ये आप याद रखना, और किसके लिए यूज करते हैं, तो आंसर है यूनियन के लिए। तो या तो टी लेते हैं, टी लेगा और कॉफ़ी में से होगा एलिमेंट। और अगर एंड की बात करें तो एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब हो गया ए में भी होगा एंड बी में भी होगा। तो जो एंड टर्म है वो इंटरसेक्शन के लिए यूज होता है, और यूनियन टर्म और के लिए यूज होता है, और यूनियन के लिए यूज होता है। तो इस तरह से बन जाएगा। इसी क्वेश्चन को आप वेन डायग्राम से भी अगर करना चाहते हो तो वेन डायग्राम बनाकर ज़्यादा ईजी होगा, एग्जाम में तो आपको ऐसे ही करके आना है, ठीक है ना। वेन डायग्राम की हेल्प से इसको फटाफट से कर सकते हो आप। ये यूनिवर्सल सेट है, इसमें कितने लोग हैं सर्वे में, 600 दे रखे हैं। इसके बाद बना लो कॉफ़ी और टी वाले, कॉफ़ी टी। और क्योंकि अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा जो इस पर बेस्ड था, इस टॉपिक पर, तो उसमें आपने देखा होगा कि सबसे पहले भरना जाता है, जो पहला रूल है वो है दोनों में कॉमन हो उसको लिख लेते हैं हम, है ना। तो सबसे पहले ये लिख लेते हैं, कितना आएगा, 100 आ जाएगा। दोनों में कॉमन कितना है, 100, इंटरसेक्शन सबसे पहले भरते हैं। फिर कॉफ़ी वाले में कितने हैं, 225, 225 यहाँ पर होने चाहिए। 225 में से 100 भर चुके हैं, तो कितने बच जाएंगे, 125, ओके। फिर टी वाले देख लीजिए कितने हैं, 150, यहाँ पर टी वाले में 150 हैं, 150 में से 100 पहले से भर चुका हूँ, तो यहाँ पर कितना भरूँगा, 50, ठीक है। इस तरह से इसको फिल कर लेते हैं। अब इसको फिल करने के बाद आपसे क्वेश्चन पूछा है कि ऐसे लोग बताओ जो ना तो टी पीते हैं ना कॉफ़ी पीते हैं। तो जो ना टी पीते हैं, ना तो टी वाले सेट में होंगे ना कॉफ़ी वाले सेट में होंगे, तो कहाँ होंगे, तो आंसर यूनिवर्सल में कहीं पर होंगे। तो कैसे निकालोगे, तो आंसर है कि इन सब को प्लस करके इसमें से माइनस कर दो। तो 600 में से माइनस कर दो क्या, 125 प्लस 100 प्लस 50, है ना, ये है ना, ऐसा कर दो। तो इनको प्लस करके माइनस करा दो, कितना बनेगा देख लो, 600 माइनस 125 और 100 कितना, तो आंसर है 225 प्लस 50 कितना, 275, है ना। तो आंसर कितना बच जाएगा, 325। तो वेन डायग्राम की हेल्प से आप डायरेक्टली निकाल सकते हो कि इन सबको प्लस करके इसमें से माइनस करो, तो 325 लोग ऐसे होंगे यहाँ पर, है ना, जो ना तो टी पीते हैं और ना कॉफ़ी पीते हैं। इस तरह से कर सकते हो इसको। तो एग्जाम में, बोर्ड में अगर आता है इस तरह का क्वेश्चन, तो इस तरह से फॉलो करना इसको। और अगर किसी कॉम्पिटिशन लेवल पर आप कर रहे हो तो फटाफट से निकालने के लिए वेन डायग्राम को यूज कर लिया करो, है ना। इसके बाद देखिए इसी तरह का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, सर्वे की बात नहीं हो रही है, ग्रुप की बात हो रही है, ग्रुप की बात हो रही है। इस बात का मतलब ये हो गया कि जैसे 100 स्टूडेंट नो हिंदी, 50 नो इंग्लिश एंड 25 नो बोथ, ईच ऑफ द स्टूडेंट इधर नोज हिंदी और इंग्लिश।
तो ग्रुप का मतलब ही ये हो गया कि जितने लोगों की बात हो रही है यहाँ पर वो या तो हिंदी जानते हैं या इंग्लिश को पढ़ते हैं, है ना, जो भी है। तो इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट 100 स्टूडेंट नो हिंदी, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हु नो हिंदी वो है कितने, 100। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु नो इंग्लिश वो हमें गिवन है कितने, 50। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु नो बोथ हिंदी और इंग्लिश का इंटरसेक्शन, इंग्लिश भी जानते हैं और हिंदी एंड हिंदी भी जानते हैं, तो वो है हमारे पास 25। कह रहा है हाउ मैनी स्टूडेंट आर देयर इन अ ग्रुप। ग्रुप का मतलब क्या होता है बताइए। तो आंसर है, हमने ये पढ़ा हुआ है कि ग्रुप का मतलब होता है यूनियन, ग्रुप मतलब यूनियन। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी पूछे हैं, तो या ए और बी की जगह हमने क्या लिया है, एच और ई, तो यहाँ पर एच और ई लिख लेते हैं। तो एच यूनियन ई का फॉर्मूला क्या होगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एच प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन एच इंटरसेक्शन ई, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला बस वैल्यू पुट करो, आंसर सामने आ जाना। तो यहाँ पर लिख लीजिए 100 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई 50 माइनस ये कितना है 25, तो इन दोनों को ऐड कराइए 150, उसमें से 25 माइनस कर दीजिए तो आंसर कितना आ जाएगा 125। तो ग्रुप में इतने लोग हैं, ठीक है ना। इसी क्वेश्चन को अगर वेन डायग्राम से करना हो, अगर बोला हो क्वेश्चन में वेन डायग्राम से करो, तो आप ऐसा कर सकते हो, ये यूनिवर्सल है और ये है हिंदी वाले लोग और ये हिंदी इंग्लिश जो जानते हैं, है ना। सबसे पहले क्या फिल करते हैं, रूल क्या है, सबसे पहले फिल करते हैं कि जो दोनों में कॉमन है, तो 25 यहाँ लिख लो, है ना। फिर इसके बाद क्या करते हैं, हिंदी वाले देख लीजिए कितने हैं 100, तो 100 में से 25 भर चुके हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 75। फिर इसके बाद इंग्लिश वाले कितने हैं 50, इस सेट में 50 लोग भरे जाने हैं जिसमें से 25 भरे जा चुके हैं पहले से, तो अब कितने बच गए 25। नाउ वी हैव टू फाइंड यूनियन, तो यूनियन हम जानते हैं कि ये सब मिलाकर क्या बना देंगे, यूनियन। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एच यूनियन ई इज इक्वल्स टू व्हाट, 75 प्लस 25 प्लस 25, इन सबको ऐड करा लो, 50 प्लस 75 दिस इज 125, इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। तो इन तीनों को ऐड करके आप निकाल सकते हो। तो ये था प्यारे बच्चों, दो सेट जब गिवन हो तब उनको कैसे सॉल्व करते हैं, उनकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को फॉर्मूले की हेल्प से इस तरह से सॉल्व करते हैं और वेन डायग्राम में इस तरह से सॉल्व करते हैं। तो आपकी काफ़ी प्रैक्टिस हो चुकी है दो सेट वालों के लिए। अब इसके बाद हम लेते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ थ्री सेट। सपोज करिए अगर तीन लोगों का ग्रुप दे रख, मतलब ऐसे लोगों का ग्रुप दे रखा हो जो तीन चीज़ें करते हैं जैसे हिंदी इंग्लिश मैथ्स, है ना, तब उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो देख लेते हैं। सपोज करिए दो सेट वाले के लिए आपने पढ़ चुके हो, लेट ए बी एंड सी बी सेट्स, दो वाले के लिए आपने पढ़ लिया था, वो आपने ये पढ़ा था, मैं आपको बता देता हूँ ऐसे। अगर कहीं पर लिखा हो प्यारे बच्चों, जैसे एन एक्स यूनियन वाई, है ना, ऐसा कहीं लिखा हो, तो आप उसको क्या कहते हो, तो आप उसको कहते हो एन एक्स प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन वाई माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स इंटरसेक्शन वाई, है ना, यही फॉर्मूला तो आपने पढ़ा था। अब आपको निकालना है, सपोज करिए यूनियन का फॉर्मूला किसके लिए, तीन सेट के लिए। तो देखो आप क्या करोगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी, ये आपको निकालना है, तीन एलिमेंट तीन सेट्स के लिए क्या निकालना है, यूनियन निकालना है। तो आप इसमें क्या यही वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो तो इसका आंसर आ जाएगा। कैसे, देखिए मैं बताता हूँ आपको। एक्स की जगह ए लिख लो, जहां जहां एक्स लिखा है वहां पर क्या लिख लो ए, और वाई की जगह क्या मान लो बी यूनियन सी। एक्स ऐसे ही ठीक है, एक्स की जगह क्या यू ए लिखना है, यूनिवर्सल सेट ऐसे ही ठीक है, और वाई की जगह बी यूनियन सी लिख लो। तो देखो क्या आएगा, एन कंपेयर कराओ, एक्स की जगह क्या है ए, तो यहाँ ए लिख लो, प्लस
वाई वाई की देखो यूनियन की जगह यूनियन है, वाई की जगह क्या है बी यूनियन सी, तो वाई की जगह लिख लो क्या बी यूनियन सी, ठीक है ना। माइनस एन ऐसे ही ठीक है, एक्स की जगह बताइए क्या लिखेंगे ए, और वाई की जगह क्या लिख लें बी यूनियन सी, इंटरसेक्शन का साइन ऐसे ठीक है, वाई की जगह बी यूनियन सी ऐसा, ठीक है ये हो गया। अब इसके बाद क्या करोगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से करना है। देखो दो वाले सेट के लिए आप ये जानते हो ठीक है, अब आपको तीन वाले सेट के लिए निकालना है, तो मैंने क्या किया ए यूनियन बी यूनियन सी निकाल लिया था, मैंने इनको एक मान लिया, बी यूनियन सी को एक मान लिया और ये ऐसे ही ए लिखा रहने दिया, तो एक्स की जगह ए और वाई की जगह ये, सब जगह पुट कर दिया, कर सकता हूँ। अब इसके बाद बिल्कुल आसान हो गया निकालना, एन ए ऐसे ही ठीक है, अब फिर से इसका फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी यूनियन सी कैसे निकालेंगे, तो इसी फॉर्मूले से तो निकालोगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी यूनियन सी कैसे निकाले जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी, है ना। ये चीज किसके इक्वल होगी, इसके, ये किसके इक्वल होता है एन नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी प्लस सी माइनस इंटरसेक्शन, ठीक है ना। तो यही वाला फॉर्मूला इस जगह पर फिर से लगा दिया गया, ठीक ये बात भी समझ आ गई। माइनस अब यहाँ पर जैसे आप डिस्ट्रीब्यूट कराते हो वैसे डिस्ट्रीब्यूट करा दो इसको, किसको डिस्ट्रीब्यूट करा दो जी, देखो किसको डिस्ट्रीब्यूट कराना है, पहले ए का इंटरसेक्शन किसके साथ कराओगे बी के साथ, ए इंटरसेक्शन बी, ए का इंटरसेक्शन बी के साथ हो गया, अब यूनियन ऐसे ही ठीक है, अब ए का इंटरसेक्शन किससे से कराओगे सी के साथ, तो करा दो ए इंटरसेक्शन सी, ठीक ये बात आई समझ में। फिर से डिस्ट्रीब्यूशन करना है आपको, तो पहले ए का इंटरसेक्शन बी के साथ यूनियन ऐसे ही ठीक है, फिर ए का इंटरसेक्शन सी के साथ, तो इस स्टेप में क्या करा गया, पहले एन ए लिखा गया, इसमें फॉर्मूला लगाया गया और इसमें डिस्ट्रीब्यूशन करा दिया गया, ठीक। अब इसके बाद आगे सॉल्व कर लो, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी ऐसे ही ठीक है माइनस। अब देखो इसमें क्या करोगे, फिर से फॉर्मूला लगेगा, ये हमारे लिए पूरा एक्स है और ये हमारे लिए पूरा वाई है ना। तो देखो ये एक्स और ये वाई, तो एक्स यूनियन वाई क्या होता है, तो आंसर है एक्स यूनियन वाई होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन वाई माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स इंटरसेक्शन वाई, यही होता है। तो मैं यही फॉर्मूला लगाने वाला हूँ, देखो ये मेरे लिए एक्स है और ये मेरे लिए पूरा वाई है, तो एक्स यूनियन वाई क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स, एक्स की जगह क्या लिखोगे ए इंटरसेक्शन बी, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन वाई ऐसे लिख लोगे, फिर माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स इंटरसेक्शन वाई, तो यानी कि ए इंटरसेक्शन बी और इसका इंटरसेक्शन किससे ए इंटरसेक्शन सी ऐसा ये आ जाएगा, ठीक है इस तरह से। अब आगे सॉल्व कर लो, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी ये ऐसे ही ठीक है माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी, अच्छा इस माइनस की वजह से ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस ए इंटरसेक्शन बी ठीक है ना, इस ये माइनस और प्लस मिलकर फिर से माइनस हो जाएगा, माइनस का ए इंटरसेक्शन सी है ना। और इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब ए का इंटरसेक्शन बी के साथ, ए का इंटरसेक्शन सी के साथ है ना, और फिर इस चीज़ को अगर हम देखें तो ये तीनों सेट्स का इंटरसेक्शन के इक्वल है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि ये चीज़ क्या लिखी हुई है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है ना, इस तरह से ये ए और बी का इंटरसेक्शन किसके साथ हो रहा है सी के साथ, आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ना, तो ए इंटरसेक्शन बी और फिर इंटरसेक्शन हो रहा है किसके साथ ए इंटरसेक्शन सी के साथ, तो आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले कि देखो ए इंटरसेक्शन बी ये लिखा हुआ है, फिर इंटरसेक्शन ऐसे ठीक है, फिर ए इंटरसेक्शन सी ये लिखा हुआ है, तो यानी कि इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं है ना। तो फाइनली हम क्या फॉर्मूला लिखेंगे, देखिए एन ए यूनियन बी यूनियन सी किसके इक्वल आया, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, पहले लिख रहा हूँ
ऑर्डर में लिखने के लिए ए इंटरसेक्शन बी, उसके बाद बी इंटरसेक्शन सी लिख लेता हूँ ये वाला, फिर इसके बाद ये लिख लेता हूँ ए इंटरसेक्शन सी, इसके बाद माइनस ये चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, ए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये आपके सामने फॉर्मूला निकल कर आ गया ऐसा। ये आपके सामने फॉर्मूला बना कि एन ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होता है। तो आंसर है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी। और हाँ, एक चीज़ और यहाँ पर ठीक नहीं लिखी है, वो क्या है, माइनस और ये वाला माइनस मिलकर ये क्या हो जाएगा, प्लस। अब ठीक लिखा हुआ है इस तरह से। तो ये फॉर्मूला आपके सामने ड्राइव हो गया। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि किस तरह से हुआ है ना, सारे स्टेप देख लेते हैं। देखिए, हमें रिक्वायरमेंट किसकी थी, ए यूनियन निकालना था हमें बी यूनियन सी से। तो मैंने क्या किया, मैं ये फॉर्मूला पहले से जानता था, ये वाला फॉर्मूला मैं पहले से जानता था, दो सेट्स के लिए जानता था लेकिन। तो मैंने इसी की हेल्प ली, कैसे, मैंने क्या किया, ए यूनियन बी यूनियन सी में से बी और सी के यूनियन को एक मान लिया और इसको एक, तो ये एक्स की तरह काम करेगा और ये पूरा ब्रैकेट वाई की तरह काम करेगा। तो मैंने एक को लिख दिया सब जगह एक्स की जगह, और वाई की जगह मैंने क्या लिख दिया सब जगह, बी यूनियन सी, ए वाई की जगह बी यूनियन सी, ठीक है। ये स्टेप तो समझ आ गया। अब इस वाले स्टेप पर आ जाओ। इस वाले स्टेप की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए ये ऐसे ही लिखा। अब बी यूनियन सी में फिर से फॉर्मूला लगा दिया गया, कौन सा वाला, एक्स यूनियन वाई वाला, यही वाला फॉर्मूला। तो इसमें क्या होगा, एक्स यूनियन वाई किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी। इसमें एक्स की जगह सब जगह क्या लिखा गया, बी, और वाई की जगह क्या लिखा गया, सी, मतलब यूनियन वाला फॉर्मूला। तो ये लगा दिया गया, ठीक। अब इसके बाद क्या किया गया, इसके बाद इस स्टेप में यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई हमने। क्या लगाया कि ए का इंटरसेक्शन बी के साथ, फिर यूनियन ऐसे ही ठीक है, ए का इंटरसेक्शन सी के साथ, ठीक, ये भी समझ आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर आ जाइए। इसमें एन ए एन बी एन सी और ये ऐसे ही लिखा कर दिया, ये वाला माइनस ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद क्या किया गया, तो आंसर है ये पूरा एक्स मान लिया, ये पूरा वाई मान लिया। तो इसमें फिर से यही वाला फॉर्मूला लगाया गया कि एक्स यूनियन वाई क्या होता है। तो आंसर है नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन वाई माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो ये फॉर्मूला फिर से खोला गया, ठीक। अब इसके बाद क्या किया गया, एन ए ऐसे ही लिखा, एन बी ऐसे ही लिखा, एन सी ऐसे ही लिखा, ये भी ऐसे ही लिखा। इस माइनस की वजह से ये माइनस का हो गया, इस माइनस की वजह से ये माइनस का हो गया, और ये माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस। और आप देखिए कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, इस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, ए इन दोनों में से क्या ले लो, कॉमन, इंटरसेक्शन इन दोनों में से क्या आ रहा है, कॉमन। तो ए इंटरसेक्शन अगर कॉमन ले लोगे तो क्या बच जाएगा, बी इंटरसेक्शन सी, ये बच जाएगा, ठीक है, ये लिख लिया। अब इसके बाद फाइनली हमने क्या किया, एन ए एन बी एन सी ऐसे लिखा, ए बी को पहले लिख लिया ऑर्डर में लिखने के लिए, ए बी वाला पहले लिख लिया, बी सी वाला इसके बाद लिख लिया, ए सी वाला इसके बाद लिख लिया। और इस टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, ए का इंटरसेक्शन हो रहा है किससे, बी इंटरसेक्शन सी से, तो इसको ओपन करके लिख दिया। तो ये हमारे सामने फॉर्मूला आ गया, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये फॉर्मूला निकल कर आया किसके लिए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी के लिए। तो ये तीन सेट के लिए ये फॉर्मूला आपका काम करने वाला है। अब इसी चीज को हम वेन डायग्राम में समझते हैं, है ना। तो एक तो ये फॉर्मूला याद रखना क्या है, मैं इसको हटाता हूँ और वेन डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं कि तीन सेट्स को वेन डायग्राम से। तो इसको नोट कर लेना, पुश करके वीडियो को कहीं पर भी पुश कर लेना और वहाँ से इसको नोट कर लेना। अब देखो, तीन वाले सेट के लिए वेन डायग्राम कैसे करते हैं, वेन डायग्राम बना लो पहले तो एक इस तरह से,
यूनिवर्सल सेट तो आपको पता ही है, बनाया ही जाएगा, थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा, तीन सेट बनाने, तो ये बन गया यूनिवर्सल सेट। इसके बाद एक सेट दो सेट है ना, एक सेट दो सेट और फिर एक और सेट चाहिए, तो ये आ गया तीन सेट। ठीक है, तीन सेट बन गए। अब इन सेट का नाम रख दो कुछ, ए सेट, ये वाला सेट बी सेट और ये वाला सेट सी सेट। ठीक है, अब जैसे आपने वेन डायग्राम दो सेट के लिए सीखे थे, इसी तरह से इसमें भी सीख सकते हो बड़े आसानी से। कैसे? देखिए, आप वन बाय वन सारे पार्ट की नेमिंग कर लीजिए। तो देखिए कैसे करेंगे, जैसे इस वाले पार्ट की अगर मैं बात करूँ, अगर आपको ये क्लियरली दिखाई दे रहा हो कि ये वाला पार्ट ए सेट के अंदर भी आ रहा है, बी सेट के अंदर भी आ रहा है, सी सेट के अंदर भी आ रहा है, तो ये वाला पार्ट तीनों में कॉमन वाला पार्ट है। तो जब भी आप फिल करेंगे तो आप कौन सा वाला पार्ट फिल करेंगे, ये वाला पार्ट सबसे पहले फिल किया करोगे। और ये वाला पार्ट किसको दिखाता है, तो आंसर है ये वाला पार्ट दिखाता है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इस वाले पार्ट से दिखाई जाएंगे। बिल्कुल क्लियर है ना, तीनों में कॉमन है। अच्छा, अब मैं अगर आपसे पूछूं कि ये वाला पार्ट किसको दिखाता है, तो आंसर है कि ये वाला पार्ट दिखाएगा बी और सी के एलिमेंट जो ए में नहीं है, बी और सी के एलिमेंट जो ए में नहीं है, है ना, बी में भी हैं सी में भी हैं बट ए में नहीं है। ये वाला पूरा पार्ट, इतना पार्ट तो किसको दिखाता है, ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट में से अगर हम ये वाला पार्ट हटा दें जो सब में कॉमन है, तो ये वाला पार्ट बच जाएगा ऐसे एलिमेंट का जो बी में है और किस में है, सी में भी है, ठीक है, बट किस में नहीं है, तो आंसर है ए में नहीं है। तो यानी कि ये वाला पार्ट दिखाता है ऐसे नंबर ऑफ एलिमेंट को जो बी में है सी में है बट ए में नहीं है। बिल्कुल आसान है ये वाली चीज। ठीक है, तो इसको भी हमने कर लिया शेडेड। ये ठीक है, ये समझ आ रहा है, ये वाला पार्ट इतना तो वो था जो तीनों में कॉमन था, ये वाला पार्ट इतना इसमें बी के एलिमेंट हैं सी के हैं बट ए के नहीं है, तो बी और सी दोनों को में तो कॉमन है बट ए में नहीं है, ये हो गया। अच्छा, अब इस तरह से ये वाला पार्ट बताइए मुझे क्या होना चाहिए। तो ये वाला पार्ट भी आप समझ गए होंगे कि ये वो वाले एलिमेंट इसमें भरे जाएंगे जो किस किस में हैं, तो आंसर है जो ए में हैं बी में हैं बट किस में नहीं है सी में नहीं है, सिर्फ इतने वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये दिखा रहे होंगे किसको, ए में है बी में है बट किस में नहीं है, तो आंसर है सी सेट में नहीं है, ऐसे। अच्छा, इस वाले पार्ट की बात बताइए क्या होनी चाहिए, तो सिर्फ इतनी जगह में जो एलिमेंट भरे होंगे इतनी जगह में, तो वो किसको दिखाते होंगे, तो आंसर है कि ये ए वाले में आ रहे हैं सी में भी आते हैं बट किस में नहीं आते हैं, बी वाले सेट में नहीं आते हैं, है ना, तो केवल इतना वाला पार्ट जो दिखाता है वो दिखा देता है किस किस में है, ए में है सी में है बट किस में नहीं है, बी में नहीं है, ऐसे। ठीक, ये तीनों सब बात समझ आ गई, ये तीनों में कॉमन, ये ए और बी वाले बट सी में नहीं है, ये बी और सी वाले बट ए में नहीं है, ये ए और सी वाले बट बी वाले नहीं है। ठीक है, अब ये वाला बताओ सिर्फ कौन सा होगा, तो अगर आंसर है कि अगर आप सिर्फ इतना वाला फिल कर रहे हो ये वाला पार्ट है ना, तब क्या होगा, ये सिर्फ वो एलिमेंट होंगे जो सिर्फ ए में है, ओनली ए वाले हैं, ये वाला पार्ट ओनली ए वाला है ना, सिर्फ ए वाला ही तो आ रहा है इसमें, और कोई आ रहा है क्या, नहीं, इतने पार्ट में तो सिर्फ ए वाले आएंगे, तो ये किसको दिखा, इसी तरह से ये तो हो गया ओनली ए, इसी तरह से आप ओनली बी वाले बताओ कहाँ पर आएंगे, तो ये किसको दिखाता होगा, ओनली बी को, तो इस तरह से आप कर सकते हो, ये वाला जो पार्ट है ये दिखाता है ओनली बी को, सिर्फ बी वाले एलिमेंट जो होंगे वो यहाँ पर लिखे होंगे। अच्छा, इसी तरह से यहाँ पर आ जाइए, है ना,
ओनली सी वाले जो होंगे वो इस जगह पर लिखे जाएंगे। तो ये किसको दिखाता है? ओनली सी को। ठीक, तो ये आपके सामने सब कुछ आ गया और इन सबको मिलाकर क्या बन जाता है? ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है ना, तो इसी पर बेस्ड आपको क्वेश्चन करने हैं। तो ये वेन डायग्राम आपको समझ आ रहा है? बिल्कुल आसान है, तीन सेट आपने बनाए, तीनों में कॉमन जो चीज़ है ना वो ये दिखाता है। इतना वाला पार्ट तीनों में कॉमन को दिखाता है, ये वाला पार्ट जो है वो इन दोनों में कॉमन है ना, बट ये वाला नहीं है। कौन सा वाला सेट? ए सेट नहीं है। इसी तरह से इसमें बनाया, इसी तरह से इसमें बनाया, ये ओनली ओनली वाले यहाँ पर आते हैं। तो इससे सारे आंसर आप दे सकते हो वेन डायग्राम से। तो मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, तब आपको बात समझ में आएगी कि वेन डायग्राम में से हम सारी चीज़ें कैसे कैसे निकाल सकते हैं। तो इसमें अगर आपसे कुछ भी पूछ ही लिया जाए, जैसे ओनली ए वाले बताओ तो वो भी आप निकाल सकते हो, ओनली बी निकाल सकते हो, है ना। ओनली ए अगर आपको निकालना हो तो क्या करोगे आप? इसमें से माइनस करा दोगे ये वाला ये वाला ये वाला, तो ओनली ए निकल जाएगा। ओनली बी अगर आपको निकालना हो तो क्या करोगे? तो आंसर है ये माइनस कर दोगे, ये माइनस कर दोगे, है ना, ये माइनस कर दोगे तो ओनली बी निकल जाएगा। या ओनली सी निकालना है आपको, तो ओनली सी निकालने के लिए आप क्या करोगे? ये माइनस कर दोगे, ये माइनस कर दोगे और ये माइनस कर दोगे, तो सिर्फ सी वाले निकल जाएंगे। तो ये आपको मैं एक क्वेश्चन की हेल्प से समझाता हूँ कि वेन डायग्राम के क्वेश्चंस कैसे करते हैं थ्री सेट्स के लिए। तो देखो आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर है 15। इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल इट वॉज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर एच। देखो सबसे पहले तो सर्वे दिया हुआ है, तो यानी यूनिवर्सल दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो एक यूनिवर्सल बना लो। यूनिवर्सल हमने बना लिया ऐसा, यूनिवर्सल में कितने लोग हैं? तो आंसर है 60 पीपल की बात हो रही है। ओके, तो यहाँ पर 60 पीपल लिख लिए मैंने। और इट वॉज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर एच, तो एक सेट बना लिया एच, ठीक है, एक और न्यूज़पेपर है वो है टी, और एक और न्यूज़पेपर है वो है आई, तो तीसरा वाला न्यूज़पेपर है आई, ये ठीक है। अब हम लिख लेते हैं पहले तो क्या क्या गिवन है। तो एक तो यूनिवर्सल सेट हमें गिवन है, कितना है? 60। अच्छा, नंबर ऑफ पीपल इन वो हुज रीड न्यूज़पेपर एच, तो एच वाले लिख लो कितने हैं बताइए। तो एच वाले हैं 25, नंबर ऑफ पीपल हु रीड न्यूज़पेपर टी कितने हैं? 26, ये नोट कर लो आप। नंबर ऑफ पीपल हु रीड 26 वाले ही आई वाले हैं, आई वाले भी लिख लिए मैंने 26। 9 रीड बोथ एच एंड आई, तो नंबर ऑफ एलिमेंट जो दोनों में कॉमन है एच में और आई में वो है 9। और 11 रीड बोथ एच एंड टी, तो नंबर ऑफ एलिमेंट हुज कॉमन इन बोथ एच एंड टी वो कितने हैं? 11। ठीक है, फिर इसके बाद 8 रीड बोथ टी एंड आई, तो T और I का इंटरसेक्शन दे दिया कितना? 8। T एंड I 8, ठीक है। 3 रीड ऑल 3 न्यूज़पेपर, तीनों में जो कॉमन है H इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन I, तीनों में जो कॉमन है वो कितने हैं? 3, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एट लीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, तो एट लीस्ट जब टर्म आया तो इसका मतलब आपको क्या निकालना है? यूनियन, तीनों का यूनियन आपको निकालना है, ए यूनियन बी यूनियन सी, ये आपको निकाल कर देना है। ठीक, तो सबसे पहले जब क्वेश्चन आता है तो पहले तो सब कुछ नोट कर लो। तो पहले तो सिंगल सिंगल वाले दे देता है कि हिंदी सॉरी एच न्यूज़पेपर इतने लोग पढ़ते हैं, टी न्यूज़पेपर इतने, आई न्यूज़पेपर इतने लोग पढ़ते हैं, फिर एच और आई बोथ बोथ लिखा यानी इन दोनों का इंटरसेक्शन, H एंड T बोथ यानी कि इनका इंटरसेक्शन, इसी तरह से T एंड I बोथ तो इनका इंटरसेक्शन, और तीनों में जो कॉमन है यानी कि तीनों का इंटरसेक्शन, ठीक है ना। सबसे पहले तो ये नोट कर लो। इसके बाद आपको निकालना है एटलीस्ट कम से कम एक न्यूज़पेपर तो पढ़ते हो, यानी कि उनका यूनियन निकालना है। यूनियन निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला हुआ करता है, फॉर्मूला है NA प्लस
एन बी, बी की जगह हमारे पास क्या है टी प्लस एन आई माइनस एन एच इंटरसेक्शन टी माइनस एन क्या आएगा नेक्स्ट टी इंटरसेक्शन आई माइनस आई इंटरसेक्शन एच माइनस प्लस हो जाएगा फिर एन इंटरसेक्शन तीनों का जो कॉमन हो एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई, ठीक है ना। यही फॉर्मूला आपने ड्राइव किया था तीन सेट के लिए, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो यही आपने ड्राइव करके निकाला था, तो बस ये फॉर्मूला यहाँ पर लिख लो और इसमें वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एच कितने हैं, 25 प्लस 26 प्लस 26 माइनस, माइनस करो तो कितना आएगा ये 9 आएगा पहला, फिर दूसरा इंटरसेक्शन की वैल्यू कितनी है एच इंटरसेक्शन टी कितना है 11, फिर आई इंटरसेक्शन और एच कितना है टी और आई कितना है 8, ये लिख लो प्लस तीनों में कॉमन वाले कितने हैं 3, ठीक है ना। तो तीनों का इंटरसेक्शन देखो, ये तो हम क्या कर देते हैं प्लस फॉर्मूले में, ये चीज़ क्या लिखी होती है प्लस में, फिर तीनों के इंटरसेक्शन क्या होते हैं माइनस में, फिर इसके बाद प्लस करते हैं जो तीनों में कॉमन है, इस तरह से लिखते हैं। इस क्वांटिटी को सॉल्व कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो वो आंसर कितना बनेगा इसको चेक कर लेते हैं। तो ये बनेगा 6 प्लस 6 12 प्लस 5, ये बन जाएगा आपके पास 17, 1, 3, 2, 5 और 2, 7 और प्लस में 3 वो भी चल रहा है, तो ये बन जाएगा मेरे पास 80 माइनस 11 और 9 ये हो गया 20 और 8 माइनस 28 ये कर लीजिए, ठीक है ना। फिर इसके बाद 10 में से 8 माइनस कर लीजिए 2 और यहाँ रह गया 7 में से 2 माइनस कर दीजिए 5, तो ये आपका 52 आंसर आ रहा होगा, ठीक है ना, वो आप चेक कर लेना इस तरह से। तो बिल्कुल सिंपल है, आपको जब क्वेश्चन आएगा तो आप इस तरह से पहले तो डेटा नोट कर लेंगे, इसके बाद जो भी गिवन नोट करने के बाद जो भी पूछा है वो लिख लो, फिर इसका फॉर्मूला आपको पता है तो वैल्यू पुट करो और आंसर आ जाएगा, है ना। अब बात आती है कि वेन डायग्राम से ये क्वेश्चन कैसे किया जाएगा। तो वेन डायग्राम से करना बिल्कुल आसान है, इससे इसका तो फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा लेकिन वेन डायग्राम से करना बिल्कुल आसान है। कैसे, देखिए सबसे पहला काम होता है कि जो तीनों में कॉमन है उसको भर लो। तो तीनों में कॉमन क्या है 3, यही रूल दो सेट के लिए भी अप्लाई होता है, यही रूल तीन सेट के लिए भी अप्लाई होता है कि तीनों में जो कॉमन है सबसे पहले वो भरना चाहिए। तो वो कितने हैं 3, तो तीनों में कॉमन वाली जगह ये है तो यहाँ भर लो 3, ठीक है। दोनों तीनों में इंटरसेक्शन वाला भर लिया, इसके बाद क्या भरें हम, तो आंसर इसके बाद जो दोनों में कॉमन है वो भरना चाहिए, जो दो दो में कॉमन हो। दो दो में कॉमन का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लो H और I है, H और I में कॉमन क्या है 9, तो H और I में कॉमन वाली चीज़ यही तो हुई, उसमें से तीन तो भर चुके हैं आप, 9 में से 3 भर चुके हैं, तो यहाँ पर कितना भरोगे 6, ठीक है ना। H और I ये वाली चीज़ ऐसी है जो दोनों में कॉमन होनी चाहिए, उसमें से 3 भर चुके हैं तो हम यहाँ पर कितने भरोगे 6, ऐसा आ जाएगा। फिर इसके बाद T और I वाले देखो, T और I वाले कितने हैं 8, तो ये वाली जो चीज़ है वो T और I को दिखाती है ना, 8 है, 8 में से 3 भर चुके हैं तो यहाँ पर कितना भरोगे 5, ठीक है ना। फिर इसके बाद H और T में कॉमन कितने हैं ये देख लो, तो H और T में कॉमन है 11, 11 में से 3 भर चुके हो तो यहाँ पर भर दो 8, इस तरह से। तो बिल्कुल सिंपल है, पहले तीनों में कॉमन वाला भरते हैं, फिर दो दो वाले देखते हैं, दो में से यहाँ पर जैसे 9 आना था तो 3 तो भर चुके ना, तो हम यहाँ ये भरेंगे 6, जैसे यहाँ पर 8 आना था तो 8 में से 3 तो भर चुके तो 5 आएगा, 11 आना था 11 में से 3 भर चुके तो यहाँ पर कितना आएगा 8, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट कैसे भरते हैं, तो आंसर है कि जैसे H वाले अब देखो आप, अब सिंगल वाले देखो वो कितने हैं 25, भरने का पैटर्न बिल्कुल सिंपल है, पहले आप तीनों वाले देखो, फिर दो दो वाले देखो, फिर तीनों वाले, फिर सिंगल वाले देखो, पहले 3 फिर 2 फिर 1 वाले, तो 3 वाले भर लिए, फिर दो दो के हिसाब से भर दिए, फिर अब एक सिंगल के हिसाब से भरो। तो सिंगल वाला जैसे H वाले कितने हैं 25,
एच वाले सेट में 25 लोग होने चाहिए, तो 25 में से हम कितने भर चुके हैं वो आप पहले काउंट कर लो। जैसे 6 और 3 9, 9 और 8 ये हो गया 17। तो यानी कि 25 में से हम 17 भर चुके हैं, तो अगर 17 भर चुके हो तो 25 में से 17 हटा दो, तो 25 में से अगर हम 17 हटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8, ठीक है ना, इस तरह से आ जाएगा। 25 में से 17 हटाओगे तो ये आ जाएगा 8, तो ये हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट टी वाले में देख लो कितने हैं, तो टी वाले में हैं 26, तो इस सेट में 26 भरे जाने चाहिए थे, लेकिन 26 में से इतने तो पहले ही भर चुके हो आप, है ना, तो 26 में से कितने पहले से भर चुके हो तो आप काउंट कर लो। तो ये हो गया आपका 5 और 3 8 और 8 16, यानी 16 आप पहले से भर चुके हो, तो 16 26 में से माइनस कर दो, तो 26 में से अगर हम 16 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10, ठीक है, ये भी बिल्कुल आसान हो गया। अब इसके बाद आ जाओ आई वाले पर, आई में कितने भरे जाने थे, 26, 26 में से इसमें 26 भरे जाने थे, लेकिन इतने नंबर तो पहले से ही भर चुके हैं इसमें, तो इनको हटाना पड़ेगा 26 में से, तो हटा दो, 5 और 3 8, 8 और 6 कितना, 14, 14 में 14 माइनस करा दो किस में से, 26 में से, तो 26 में से अगर आप 14 माइनस करा दो तो कितना आ जाएगा, 12, ठीक है ना, तो ये इस तरह से करते हैं। तो एच थे 25, टी थे हमारे पास 26, और आई वाले हमारे पास कितने थे, 26। तो कैसे भरा, बिल्कुल आसानी से, सबसे पहले हमने भर लिया तीनों में जो कॉमन है, फिर दो दो वालों में से जो भर चुके थे उसको हटाकर भरते गए, जैसे 3 हटाकर ये भर दिया, 3 हटाकर ये भर दिया, फिर 25 भरने थे इस सेट के अंदर, तो हमने क्या किया, 25 में से ये तीन तो भर चुके थे तो इन तीनों को हमने 25 में से माइनस कर दिया, इसमें 26 भरने थे तो हम इतने नंबर तो पहले ही भर चुके हैं तो ये वाले नंबर 26 में से माइनस कर दिए, फिर इसमें 26 भरने थे आई सेट के अंदर तो ये तीनों नंबर 26 में से माइनस कर दिए, तो 12 आ गया। अब हमारे पास वेन डायग्राम बन के पूरा तैयार हो चुका है, ठीक। अब आप मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछ लो इसमें से, तो आपने पूछा कि भाई मुझे बताओ आप नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, कम से कम एक तो पढ़ते ही हो, तो ये सारे ऐसे हैं जो कम से कम एक तो पढ़ते ही हैं, एक से ज़्यादा भी पढ़ते हैं, तो इन सबको ऐड करा लो। तो ऐड कराने के बाद मतलब है यहाँ पर जितने भी नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं वो सब ऐड करा लो, 8 8 10, है ना, 6 3 5 और 12, ये सब जितने भी नंबर बोर्ड पर लिखे हुए हैं ये वाले, ये सब ऐड करा दो, तो 8 और 8 16 और 10 26, 26 ओके, बाद आप 6 ऐड करा लो इसमें, है ना, तो ये आ गया 32 32 और 3 35, 35 और 5 40, 40 और 12 कितना, 52, ये आंसर आ जाएगा। तो वहाँ पर भी देख लो 52 आंसर आया, यहाँ पर भी आंसर कितना आया, 52, ठीक, एक चीज़ हो गई। अब दूसरी चीज़ उसने पूछी है द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, सिर्फ एक न्यूज़पेपर पढ़ते हो, तो सिर्फ एक न्यूज़पेपर पढ़ने वाले लोग, अब आप बड़े आसानी से निकाल सकते हो सिर्फ एक वाले कौन से हैं, ये 8, सिर्फ एक वाले और कौन सा है, 10, सिर्फ एक वाले कौन सा है, 12, है ना, देखो 5 तो वो हैं जो ये दोनों पढ़ते हैं, है ना, 8 वो हैं जो ये दोनों पढ़ते हैं, 6 वो हैं जो ये दोनों पढ़ते हैं, 3 वो हैं जो तीनों पढ़ते हैं, तो सिर्फ एक वाले कौन कौन से हैं, 8 10 और 12, तो इनको ऐड करा दो, 8 10 और 12, तो इनको ऐड जब कराओगे तो कितना बनेगा, तो 12 और 8 20 और 10 30, यानी कि 30 पीपल ऐसे होंगे प्यारे बच्चों जो सिर्फ एक न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से आप सिमिलरली एक क्वेश्चन और देख सकते हैं, ये है इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, इन अ सर्वे इट वॉज फाउंड दैट 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए, ओके, वन बाय वन लिख लीजिए, प्रोडक्ट ए लाइक करते हैं 21 पीपल एंड 26 लाइक प्रोडक्ट बी, बी प्रोडक्ट लाइक करते हैं कितने, 26 पीपल, ठीक है, और 29 लाइक प्रोडक्ट सी, तो सी वाले हैं 29। इसके बाद दोनों में जो कॉमन है वो दे रखे हैं, जैसे 14 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए एंड बी, तो
ए और बी का इंटरसेक्शन दे रखा है, कितना 14, ये लिख लीजिए। और 12 पीपल लाइक प्रोडक्ट सी एंड ए और 14 प्रोडक्ट लाइक बी एंड सी, तो बी और सी दे रखा है हमारे पास 14, और सी और ए वाला जो है वो क्वेश्चन में गिवन है 12 लाइक प्रोडक्ट सी एंड ए, तो सी और ए का इंटरसेक्शन 12 लिख लिया मैंने, 14 बी एंड सी, तो वो लिख लिया, ठीक है। इसके बाद 8 लाइक ऑल द 3 प्रोडक्ट, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये भी हमें दे रखा है, ये हैं 8, ओके। तो सबसे पहले तो सिंगल वाले लिख लिए, फिर दो दो के इंटरसेक्शन वाले लिख लिए, फिर जो तीनों में कॉमन है वो लिख लिया। अब आपको निकालना क्या है, फाइंड हाउ मैनी लाइक प्रोडक्ट सी। प्रोडक्ट सी में से आपको निकालना है कि सिर्फ ऐसे निकालने हैं जो सिर्फ सी प्रोडक्ट को लाइक करते हैं। तो बिल्कुल आसान है इसको करना। पहले हम क्या करेंगे, एक सर्वे हो रहा है तो यानी कि यूनिवर्सल सेट बना लेते हैं, एक ए सेट बना लेते हैं, एक बी सेट बना लेते हैं, एक सी सेट बना लेते हैं। ये है ए सेट, ये है बी और ये है सी। ए में हमारे पास हैं कितने एलिमेंट, 21, तो यहाँ लिख लेते हैं 21। बी में हमारे पास कितने हैं, 26, और सी में हमारे पास कितने हैं, 29, ओके। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, है ना। तो देखो सबसे पहला काम क्या करना है, जो तीनों में कॉमन है वो फिल करते हैं। तो सबसे पहले जो तीनों में कॉमन है वो फिल कर लिया मैंने, 8, ओके। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद बिल्कुल आसान है, पहले तीन वाले भरते हैं जो तीनों में कॉमन हो, फिर जो दो में कॉमन हो। तो वन बाय वन स्टार्ट करो, ए और बी वाले में कितने हैं, 14, ए और बी वाला ये होगा कॉमन, इसमें से 14 में से 8 भर चुके हो तो यहाँ पर कितना आएगा, 6, ठीक है। इस तरह से बी और सी वाले कितने हैं, 14 है ना, तो बी और सी वाला पार्ट कौन सा है, ये बी सेट है, ये सी सेट है, इन दोनों में कॉमन पार्ट है ये। अब इसमें 14 में से 8 भर चुके हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6। अब ए और सी वाला देख लो, तो ए और सी वाला ये वाला हो गया, ए और सी में कॉमन कितने हैं, 12, 12 में से 8 भर चुके हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4, ठीक है ना। अब आपको चाहिए ओनली सी, तो ओनली सी वाले कैसे निकालोगे, तो देखो सी सेट में टोटल कितने एलिमेंट थे, 29, है ना, तो 29 में से यहाँ कितने भर चुके हो, ये सब भर चुके हो, तो बाकी देख लो यहाँ पर कितने बच गए, तो 8 और 6, 14 प्लस 4, ये हो गया 18, 29 में से 18 माइनस कर दो तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 11, है ना। तो इसका मतलब ओनली ये वाला जो पार्ट है, इतना पार्ट, ये पार्ट किसको दिखाता है, ये वाला पार्ट, तो सिर्फ इतना वाला पार्ट दिखाता है ओनली सी को, ये आपने स्टार्टिंग में पढ़ा इस लेक्चर में, है ना। तो ये कितने आ रहे हैं, 11, ये किसको दिखा रहा है, ओनली सी को, सो ओनली सी वाले जो हैं वो हैं 11, ये यहाँ से निकल कर आ जाएगा आंसर इसका, ठीक है ना। तो ये करना है आपको, तो फिर ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 16, और ये था आपका लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का। तो ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 1, सेट्स कंप्लीट। और अब क्योंकि आपको सेट्स की थोड़ी सी नॉलेज है, तो आप क्या करोगे, अब इस इंफॉर्मेशन को आप यूज करोगे रिलेशन और फंक्शन चैप्टर पढ़ने के लिए, है ना। तो पहले आप क्या करो, थ्रू आउट द सारे वीडियो जाओगे, सारे बेसिक कंसेप्ट पहले पढ़ो क्या क्या हैं, उनकी थोड़ी सी एग्जाम्पल्स ले लेकर प्रैक्टिस करो, और एक्सरसाइज जितनी भी हैं एनसीईआरटी की वो सब कुछ इसमें सॉल्व की गई है ना। तो अब जो है हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक रिलेशन एंड फंक्शन।